हेलो स्वैगर्स, इट्स योर बॉय स्वैग किंग इज हियर। जैसा कि हम सभी को पता है, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी कि BGMI बैन हो गया था फ्रॉम प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर इन इंडिया बिकॉज BGMI वॉज रिपोर्टेडली कम्युनिकेटिंग विथ सर्वर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोकेटेड इन चाइना विच लीड टू बैन इन इंडिया। मतलब कि इस गेम से हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन चाइना के सर्वर्स को मिल रही थी। तो इस 10 महीने के बड़े इंतज़ार के बाद आज क्राफ्टन के ऑफिशियल BGMI हैंडल ने आज बड़ा खुलासा करते हुए ये पोस्ट अपलोड करी है, इट्स टाइम टू स्विच ऑन नोटिफिकेशन। ये पोस्ट मतलब क्राफ्टन टीज कर रहा है, अब इनडायरेक्टली बता रहा है कि BGMI 2.0 आ रही है और उसी के साथ ही हमारे भारत देश के जो गवर्नर है श्री राजीव चंद्रशेखर जी, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये पोस्ट अपलोड किया है कि यह BGMI का 3 महीनों का ट्रायल है। मतलब और एक मौका मिल गया है BGMI को और इसके बाद इसने सर्वर्स के मुद्दों पर और स्थान डेटा आदि पर भारत सरकार बारीकी से निगरानी करेगी और साथ में ही इन्हीं 3 महीनों में यूज़र्स को हानि व्यसन इन मुद्दों पर कड़ी नज़र रखेंगे और उसी के बाद हम BGMI को बैन करना है या अनबैन करना है ये डिसीजन लेंगे। तो ये सब मसाला कुल मिला के BGMI अनबैन होने के लिए फाइनली हमें 3 महीने लास्ट के 3 महीने इंतज़ार करना है और तब तक BGMI 2.0 ट्रायल रिलॉन्च खेल सकते हैं। इट्स ओके यार, बड़ी ही सरप्राइजिंग न्यूज़ है हम सभी के लिए और आगे जाके BGMI टूर्नामेंट्स और कॉम्पिस हमें देखनी और खेलनी मिल सकती है। हाँ, BGMI रिलेटेड फैक्ट्स और वीडियोस के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज से रेगुलर वीडियो आते रहेंगे चैनल पे, सो स्टे ट्यून्ड और ये वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और आपकी BGMI की जो भी फीलिंग है इस पंजाबी न्यूज़ रिलेटेड तो वो कमेंट कर देना। बाय बाय।